हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें कि आज मैथ्स का लेक्चर है और आप पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो ये एक नया टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है आज, इसे जो है ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी तक हमने जो टॉपिक किया कवर किया है वो है नंबर सिस्टम, सर्ट्स इंडाइसेस और सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था इससे दो सवाल आपके फिक्स्ड हैं 25 में से एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो एक सवाल आपका फिक्स्ड है इस टॉपिक से। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें और भी टॉपिक्स जो कंबाइंड करके बताया था वो है पार्टनरशिप और एज। इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो एज कभी कभी जो है आपके रीजनिंग के सेक्शन में रहता है, लेकिन हम कवर उसको मैथ्स में करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट मिलेगा, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है और सारे पीडीएफ जो लेक्चर से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं हर हफ्ते वीक के एंड पे, आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं हम सभी सब्जेक्ट के 25 25 25 25, वो भी आप चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में। साथ ही साथ उसका आंसर कि हम हर वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे को हम अपलोड भी करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा चलता रहे, जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका आंसर भी आप चेक करते रहें। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो है वो आपको टाइम टू टाइम सही टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पर आप देखेंगे हम पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक बेसिक टॉपिक है, इससे जो है आपका अर्थमेटिक का बेस बनता है। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक में हमारे पास जो है टॉपिक्स जो है उसमें से टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, परसेंटेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं रेशियो से उसमें आपका कैलकुलेशन में यूज होता है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन को एक टॉपिक ही ना समझिए, आप समझिए कि ये क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, यानी कि मैथ्स की भाषा है, गणित की भाषा है रेशियो, इसे समझना जरूरी है। जैसे कि आप अगर हिंदी में बात करते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी पहले जानना पड़ता है, वैसे ही मैथमेटिक्स जो हम यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज है। तो आज इसमें हम जो बातें मैं करूँगा काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, रेशियो को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सवाल कराऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो को। सबसे पहले समझेंगे रेशियो का मतलब क्या है। जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, दो मात्राओं की जब तुलना होती है तो इसे हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात का सिंपल सा लैंग्वेज है, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास दो बैग हैं, बैग नंबर एक, ये बैग नंबर ए है और ये बैग नंबर बी है। ठीक है, सपोज करिए कि मेरे पास बैग नंबर ए में 15 बॉल है और बैग नंबर बी में 35 बॉल है, 35 ये एग्जैक्ट नंबर है। तो अगर आपको यहाँ पर ए अनुपात बी निकालना, ये होता है अनुपात, ए रेशियो बी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके 15 और 35 को 5 से काट सकते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बॉल के तुलना में ए में जो 3 बॉल है उसके तुलना में बी में 7 बॉल है। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी दो मात्राओं की तुलना अनुपात में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि ए बराबर हम ले सकते हैं 3x और b बराबर हम ले सकते हैं 7x। तो x एक कांस्टेंट है जिसमें कि यहाँ जो x का वैल्यू है वो है 5। ठीक, तो हमारी जो आदत लगी हुई है कि हम यहाँ पर चीज़ों को x लेकर करें, वो x हम लेना अब यहाँ से बंद करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक अवॉइड करेंगे, जहाँ तक हम यहाँ पर क्या लेंगे, x की जगह पे हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर a डिवाइडेड बाय b करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 7x, तो x और x कट गया तो ये क्या हो रहा है, 3/7 हो रहा है। एक्चुअल में अनुपात का मतलब यही होता है कि ये जो साइन है ना, इस साइन के जगह हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन का साइन लगा सकते हैं, डिवीजन लगाओगे तो a बटा b बराबर 3/7 आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको a बटा 3 बराबर b बटा 7 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू इसका 3 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका 7 नहीं है, इसमें हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आया, तो
इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल सवाल किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि अगर पहले वाले बैग में 15 बॉल है और यहाँ पर 3:7 है तो बताइए दूसरे बैग में कितना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 3x = 15 कर देते हैं, हम क्या करते हैं 3x = 15 कर देते हैं और एक्स बराबर हो जाता है इस केस में 5। फिर दूसरे वाले बॉल बैग में देखते हैं कितना था हमारे पास, तो 7x था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 7 × 5 करते हैं और तब जाकर 35 आता है। ठीक, यही हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ से अब अवॉइड करेंगे ऐसी चीज़ों को करना, हम क्या करेंगे एक्स के जगह को 1 लेंगे। ठीक, चलिए तो ये तो कुछ बातें हो गई तुलना की। अब देखिए ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया आप अनुपात के सिंबल को आप डिवीजन में कन्वर्ट करके 2/3 लिख सकते हैं, तो ए बाय बी जो है ये 2/3 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कोई वैल्यू को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा, ए बाय बी का वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/12, ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं बात एक ही है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर इस 2 में डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ तो मुझे नीचे 3 में भी डिवाइडेड बाय 5 ही करना होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू हो जाएगा 0.4/0.6। ठीक, तो चाहे मैं a बाय बी को 0.4/0.6 लिखूं, 8/12 लिखूं या 2/3 लिखूं, तीनों के तीनों सेम चीज़ है, क्योंकि रेशियो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, जो कि 2:3 अंदर है वो चेंज नहीं हो रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ क्योंकि डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, तो अगर मैंने पहले वाले वैल्यू में कोई चीज़ मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाले वैल्यू में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर पहले वाले वैल्यू में कुछ डिवाइड हो रहा है तो दूसरे वाले वैल्यू में भी डिवाइड होता है। तो इस चीज़ का आप नोट बना के रखिए कि अगर रेशियो में हम किसी भी एक क्वांटिटी पे जो तुलना हो रही है जिसकी, उसमें अगर कोई एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसको सारे फैक्टर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है, ताकि रेशियो जो है वो बदला नहीं जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2:3 है तो अगर मैं यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहले वाले में 8 हो जाएगा, दूसरा वाला जो है ये 12 बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रही है तो रेशियो को अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, केवल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई से हमारा जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो दोनों तरफ आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए एक तरीका है कि हम रेशियो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस 2 को नीचे लाके और इस b को ऊपर ले जाके, तो a बटा 2 है जो है वो b बाय 3 है, मतलब जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखा वैल्यू तो a बाय 2 जो है ये b बाय 3 के बराबर है। ये तब काम आएगा जब यहाँ 2 के जगह 3 क्वांटिटीज हो, क्यों, क्योंकि आप समझिए जब हम इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हैं, जब इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स लिखने की जगह होते हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन वहाँ तक सही है जब हम 2 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 2 से तीसरे क्वांटिटी में आ जाएंगे तो इस तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक क्वांटिटी तो इसके अंश में गया, दूसरा क्वांटिटी इसके हर में गया, आप तीसरे क्वांटिटी को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए जो है हम ये दूसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन को भी याद रखें कि अगर मैंने ये कहा है कि a अनुपात b 2:3 है तो वो a बाय 2 बराबर b बाय 3 होता है, तो अगर यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 एक और वैल्यू आ गया, तो क्या करोगे, इसका मतलब है a बाय 2 बराबर b बाय 3 बराबर c बाय 4 है। तो ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि अनुपात को कैसे हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सपोज करिएगा आपको इस तरीके से दिया है और बोला गया कि अनुपात बताइए, तो आप देखिए कि a के नीचे 2 है, b के नीचे 3 है, c के नीचे 4 है, तो a:b:c का वैल्यू 2:3:4 है। ठीक, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ें जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जितना आपका स्ट्रांग होगा बेसिक चीज़ें उतने जल्दी आप फास्ट भी कैलकुलेशंस कर पाओगे, क्योंकि आगे चल के डायरेक्टली मैंने ऐसे कुछ नंबर्स का कैलकुलेशन किया तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ए अनुपात बी अलग दिया हुआ है, बी अनुपात सी अलग दिया हुआ है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, तो इसको 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहला तरीका ये है कि आप जब भी इस तरीके से 3 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें से 2 वैल्यू को अलग दिया हुआ है और ये 2 वैल्यू को अलग दिया, तो पहले आप देखिए कि कनेक्टिंग लिंक क्या है, इसमें कनेक्टिंग लिंक है बी, क्योंकि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो दोनों केसेस में एक बार जब b 2 है तो दूसरे बार b 3 अगर दिया हुआ है तो ये सरासर गलत है,
पहले आपको क्या करना होगा, दोनों जगह बी को इक्वल करना होगा, यानी कि अगर यहां टू है यहां थ्री है तो आपको टू और थ्री का एलसीएम यानी दोनों तरफ आपको सिक्स बनाना होगा। तो अगर मुझे सिक्स बनाना है तो आप खुद ही बताइए कि कैसे सिक्स बनाया जा सकता है। पहले वाले में मुझे थ्री मल्टीप्लाई करना होगा तो ये सिक्स बन जाएगा, और दूसरे वाले में मुझे टू मल्टीप्लाई करना होगा तो ये भी सिक्स बन जाएगा। यानी पहला जो रेशियो है बन जाएगा थ्री इज टू सिक्स, दूसरा जो रेशियो बन जाएगा सिक्स इज टू एट। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि बी बी था तो यहां पर सिक्स सिक्स दोनों तरफ एक ही बात कही जा रही है, तो यूनानिमस होना चाहिए, यानी कि सब लोग जितने भी अलग अलग रेशियो है सभी एक ही बात कहने चाहिए कि बी यहां पर भी छह है यहां पर भी छह, अलग अलग बात हो रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि बी तो एक ही है। ठीक, तो अब ये बैलेंस्ड रेशियो है, यहां पर थ्री इज टू सिक्स इज टू एट हम लिख सकते हैं, यानी कि ए बाय थ्री बराबर हो जाएगा बी बाय सिक्स बराबर हो जाएगा सी बाय एट। ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका समझिए कैसे करना है। वाटर और मिरर इमेज में आपको शायद रीजनिंग वाले सर अभी कवर आए हैं कि नहीं, लेकिन वो कवर होगा आपका। ठीक, सबसे पहली बात n जो है ना, n का मिरर इमेज को याद रखिए। अगर मैं यहां पर एक आईना इस तरीके से दर्पण रख लूं तो n कैसा दिखेगा, n कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक, इस तरीके का। तो n के मिरर इमेज को आपको याद रखना है। ठीक, तो मिरर इमेज ये है। अब मिरर इमेज से क्या करना है, मिरर इमेज में आपको देखना है कि यहां पर लेफ्ट में कुछ वैल्यूज है, ये लेफ्ट वाले वैल्यूज इसके नीचे आ गए, राइट वाले वैल्यूज इसके नीचे आ गए। तो यहां ऊपर वाला जो लेफ्ट का वैल्यू है उसको नीचे वाले लेफ्ट के वैल्यू से मल्टीप्लाई जब करोगे तो पहला नंबर यानी कि ए निकल के आएगा। नीचे वाले यहां पर लेफ्ट के वैल्यू को ऊपर वाले राइट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो बी निकल के आ जाएगा, और राइट के दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने के पहले यह ध्यान रखना है कि आपको ए बी और बी सी इस तरीके से आपको लिखना जरूरी है। तो मैंने जैसा बताया वैसे आप मल्टीप्लाई करिए, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तीन अनुपात दो तो बन जाएगा सिक्स, लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे दो अनुपात चार तो बन जाएगा आठ। तो इस तरीके से एन के मिरर इमेज के साथ मल्टीप्लाई करते करते आप यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो तो हम समझ चुके। अब देखिए एक छोटी सी सवाल मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको दिया हुआ है कि 3a बराबर है 7b बराबर है 14d c, ठीक, अब आपको बताना है कि a अनुपात, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये अनुपात है, इसका मतलब क्या है, a बाय थ्री जो है ये b बाय सिक्स होगा, ये c बाय एट होगा। लेकिन यहां पर क्या ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 3 इज टू 7 इज टू 14, जो कि गलत है। अनुपात में वैल्यूज हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में चली जाती है, लेकिन यहां आप देखोगे तो सारे के सारे वैल्यूज यहां पर न्यूमरेटर में चल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ये 3 7 और 14 जो दिया हुआ है, 3 7 और 14 का आपको लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम से आपको डिवाइड करना होगा। तो मुझे जो एलसीएम याद आ रहा है वो है 42, तो मैं 42 से इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर देता हूं। ठीक, जैसे मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, ये 3 इसको काट देगा, ठीक, 3 इसको 14 बार काटेगा, 7 इसको 6 बार काट देगा, और 14 जो है इसे 3 बार काट देगा, मतलब कि जो रेशियो है ए इज टू बी इज टू सी का वो है 14:6:3 का। तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा रेशियो अगर ऐसा दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये है, सेकेंड तरीका और मैं आपको बता के रखता हूं कि अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको 42 कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, मैंने एलसीएम कैसे निकाला। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने कहा कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी 3:6:8 है तो ए बाय 3 होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं यहां तो 3a है, तो क्या मैं इस a को a बटा 1/3 लिख सकता हूं। ठीक, क्या मैं इस b को b बटा 1/7 लिख सकता हूं, और क्या मैं इस c को c बाय 1/14 लिख सकता हूं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो इस फॉर्मेट में तो आ गया, लेकिन वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज निकल के आ गए। वैल्यूज क्या है, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज निकल के आ गए, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सेम आंसर मिलेगा यहां से भी। तो यहां से आपको कैसे सॉल्व करना है, यहां से आपको देखना है कि ये बन जाएगा 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/14। तो एक बार फिर से यहां एलसीएम के बिना काम तो चलेगा नहीं, आपको यहां पर एलसीएम को एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा 3 7 और 14 का, क्योंकि
क्योंकि जब तक वैल्यू फ्रैक्शन में होता है वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक होने की चांसेस होती है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो हम यहां पर फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 7 और 14 के एलसीएम को, जिसका एलसीएम क्या है तो 14 है, 14 है, ठीक है। पिछले वीडियो में सीखा था, सॉरी 42 होगा यहाँ पर, और 42 यहाँ पे भी, 42 यहाँ पे भी, 42, ठीक। तो जैसे ही आप इसको 3 से काटोगे पहले वाले वैल्यू को, तो पहला वैल्यू बन जाएगा 14 रेशियो, 7 से काटोगे 42 को 6 बन जाएगा, और लास्ट में 14 से काटोगे तो ये 3 बन जाएगा, सेम रेशियो आ रहा है। तो ये एक तरीका और है जैसे आप इसके रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक तो एलसीएम से डायरेक्टली एज टू बीज टू सी को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी बात यहाँ पे हमने नया सीखा कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गए और तभी भी आपसे ये पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वैल्यू चल रहे हैं, यानी इन सभी अंशों यानी कि भिन्नों के हरों में जो वैल्यू चल रहा है उसका आपको लेना होगा एलसीएम और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर बन जाएगा और आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस रेशियो से हम कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखे। हमने ये देखा कि दो अलग अलग रेशियो से 3 रेशियो में आना है तो कैसे आना है, एन के वाटर इमेज से फटाफट ये निकल के आ जाते हैं, वाटर इमेज नहीं सॉरी मिरर इमेज से। अब सेकेंड चीज़ हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जब आपको 3 अलग अलग रेशियोज में 4 वेरिएबल दिए हैं और 4 वेरिएबल निकालने की बात हो रही है, तो पहला तरीका यही है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप इक्वल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 6 था, 3 था, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है तो यहाँ पर 3 है, ये संभव नहीं हो सकता। तो आपको पहले वाले को 3:6 बनाना पड़ेगा और दूसरे वाले को आपको बनाना होगा 6:8। ये हो गया पहला तरीका कि हमने इन दोनों को बैलेंस किया। इसके बाद आपको पहले दूसरे को और तीसरे को बैलेंस करना है। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन था, 6 कॉमन था, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी, तो एज टू बीज टू सी तो आ गया, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो सी क्या है, 8 है। तो यहां पर अगर 8 है तो सेकेंड वाले में, पहले वाले में कितना था, 8 था, यहां 2 था सॉरी, तो इसको भी 2 बनाना होगा और इसको 2 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 और ये बन जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कि सी दोनों में 8 बन गया, बी दोनों में 6 बन गया, मतलब सारे जो अलग अलग रेशियो है वो एक ही बात कह रहे हैं। जब तक के अलग अलग रेशियो एक ही बात ना कहे तब तक आप उसको बैलेंस ना कर सकते। तो सारे रेशियोज जो अलग अलग दिए हुए हैं उसमें सारे जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बात कह रहे हैं कि बी बराबर 6 है तो दूसरे वाले में भी बी बराबर 6 है, सी बराबर 8 है तो दूसरे वाले में भी सी बराबर 8 है। ये आपको सारे जो अलग अलग रेशियो से एक ही बात कहने चाहिए, तब जाके आप लिख पाएंगे कि 3:6:8:12 है, ठीक। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है a बाय 3 बराबर है b बाय 6 बराबर है c बाय 8 बराबर है d बाय 12, ठीक। ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका मैं अभी यहां पर आपको बता देता हूं, ये एक तरीका है इस तरीके से आपको वैल्यू निकालने का। सेकेंड तरीका क्या है, तो वो भी आपका शॉर्ट ट्रिक ही है। यहां पर लेफ्ट में आपके कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब है ये लेफ्ट में जो ये वैल्यूज है इसका, इसको मैं लेफ्ट कह रहा हूं, ये जो वैल्यूज है इसको मैं लेफ्ट वाला वैल्यू कह रहा हूं, ठीक। और राइट का मतलब है कि मैं इन वैल्यूज को राइट कह रहा हूं, आर कह रहा हूं। तो लेफ्ट में कुछ वैल्यूज आपको दिख रहे हैं यहां पर, राइट में कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, और यहां पर दूसरे तीसरे वाले के लिए फिर से लेफ्ट और राइट के दोनों वैल्यूज चाहिए हमें, और चौथे वाले के लिए केवल राइट वाला वैल्यू। तो मैं यहां पर 4 कॉलम बना लेता हूं। पहले कॉलम में हम निकालेंगे ए का वैल्यू, दूसरे कॉलम में हम निकालेंगे बी का वैल्यू रेशियो में, तीसरे कॉलम में हम निकालेंगे सी का रेशियो, और चौथे कॉलम में हम निकालेंगे डी का रेशियो। एक बार में अगर आपको निकालना है तो कैसे, तो मैंने कहा पहले ये लेफ्ट के वैल्यूज, ये राइट के वैल्यूज। अब देखिए इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन में हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होगा ए बी सी डी को, ताकि हमारा डायरेक्टली ए बी सी डी आ गए। तो पहले सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर आप जिस तरीके से लिखे ए बी के बाद बी सी फिर सी डी, इस तरीके से होना चाहिए, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी। गलती से भी आप इस ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब ये बी सी के जगह पे आपने सी डी लिख दिया, सी बी लिख दिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले आपका काम है कि आप देखिए इसका ऑर्डर सही होना चाहिए, यानी कि आपने लिखा है ए अनुपात बी, फिर यहां से बी आएगा सी, बी अनुपात सी, फिर यहां फिर से सी आएगा, फिर सी अनुपात डी। इस तरीके से रेशियोज लिखे होने चाहिए, तब जाके आपका ए टू बी टू सी टू डी एक बार में निकल के आएगा, ठीक। कैसे मल्टीप्लाई करना है तो वो मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में आपको लेफ्ट में जो 3 नंबर दिख रहे हैं तीनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों को आपको क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो ये तीनों नंबर्स को आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे ए का वैल्यू आएगा।
बी के लिए लेफ्ट के नीचे के दो नंबर्स को राइट के ऊपर वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, ठीक। तो नीचे आए फिर यहां से ऊपर और राइट साइड टर्न लिया तो आपका बी निकल के आएगा। सी के लिए क्या करना है, राइट साइड के ऊपर के दो वैल्यू को लेफ्ट साइड के नीचे के एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो यहां पर जस्ट ऐसा जा रहे थे, यहां पर नीचे आके फिर लेफ्ट टर्न लेना है आपको, ठीक। ऊपर से नीचे आते हुए लेफ्ट साइड टर्न करना है और राइट वाले के तीनों वैल्यूज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डी यहां पे निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो इसी प्रक्रिया से अगर मैं यहां पर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या आंसर मिलता है हमें। मैंने कहा ए चाहिए तो लेफ्ट के तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए 1, 2, 3, तो यहां 6 आ जाएगा। बी चाहिए तो लेफ्ट के नीचे के दो वैल्यूज को राइट के ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो 2, 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक। अगर हमें सी चाहिए तो राइट के ऊपर के दो वैल्यूज को लेफ्ट के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब आप देखिए यहां पेन कहां कहां गया, 2 में 4 में और 2 में, यानी 2, 2 जा 4, 4, 4 जा 16, तो यहां 16 आ जाएगा। और लास्ट में आपको राइट के तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पेन कहां जा रहा है, राइट राइट और ये राइट, इन तीनों वैल्यूज को, तो 2, 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 24 आ जाएगा। अब इसमें कुछ वैल्यू अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको आप काट सकते हैं, जैसे ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, जब आप सभी को 2 से काटेंगे तो सेम रेशियो आ रहा है। अभी जो हमने देखा था 3:4:3:6 होगा, यहाँ पे 2 से काटने पर ये 6 बन जाएगा, 3:6:8:12 वही रेशियो बन रहा है जो अभी हमने देखा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरीके के रेशियोज मिलते हैं तो आपको घबराना नहीं है, फटाफट आप इस प्रक्रिया से A:B:C:D निकाल सकते हैं, उसके बाद जो भी पूछा हुआ है वो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर जो है SSC में एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप आगे जाके इसका भी प्रिपरेशन करके रखते हैं कि अगर आपके 4 वैल्यूज के अलावा 5 वैल्यूज आपको दे दे, 6 वैल्यू दे दे, 7 वैल्यू या 10 वैल्यू, कितने भी वैल्यूज आपको दे दे, और आपको यहां पर वैल्यू निकालना है डायरेक्टली ABCDE का जब अलग अलग वैल्यूज दिए, तो एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर है जिसको आप याद करके रखिए, फटाफट यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या निकालना है, A:B:C:D:E निकालना है या जो भी निकालना है, आगे FP हो तो आप क्या करिए, पहले लिख लीजिए एक बार A:B:C:D:E, इतना काम पहले कर लीजिए। अब हर एक लाइन में आपको एक बार लिखना है AB का वैल्यू, A अनुपात B का वैल्यू, दूसरे वाले में आपको लिखना है B अनुपात C का वैल्यू, तीसरे लाइन में आप C अनुपात D और चौथे लाइन में आप D अनुपात E लिखेंगे। कहने का मतलब ये 1:2 था, तो पहले वाले में केवल 1:2 लिखना है आपको, बाकी जो 3 जगह है इसको एज इट इज खाली छोड़ दीजिए, वहां पे क्या करना है मैं बताऊंगा। दूसरे वाले में आप B:C देख रहे हैं तो यहां B और C के नीचे 3:4 लिख लेंगे जो वैल्यू दिया हुआ था, A D और E को एज इट इज छोड़ देंगे। अब CD है, CD का अनुपात 2:3 है, तो ये सी और डी में हम क्या करेंगे, यहां पे 2:3 लिख रहेंगे और बाकी चीजों को हम खाली छोड़ देंगे जगहों को, ठीक। लास्ट में D:E था जो कि है 2:5, तो यहां D:E के नीचे मुझे लिखना होगा 2:5 और बाकी चीजों को जो खाली जगह है वहां पे खाली जगह छोड़ देंगे। अब बात करते हैं कि खाली जगह में करें तो क्या करें, खाली जगह हमने छोड़ दिया, अब इन खाली जगहों पर क्या करना है, जो क्लोजेस्ट वैल्यू दिख रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड खाली है तो लेफ्ट वाला वैल्यू आएगा, राइट साइड खाली है तो राइट वाला वैल्यू वहां पे आपको फिल कर देना। कहने का मतलब यहां 1 के लेफ्ट साइड कोई वैल्यू खाली है क्या, नहीं है, लेकिन 2 के राइट साइड कुछ खाली वैल्यूज है, तो इस 2 को मैं हर जगह लिख दूंगा, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे 2, क्लियर। यहां पे लेफ्ट में भी खाली है, राइट में भी खाली है, तो लेफ्ट वाले वैल्यू को लेफ्ट में लिख देंगे यहां पे 3, और ये जो राइट वाला वैल्यू है इसको राइट साइड जहां जहां खाली जगह देख रहा है 4, 4 इस तरीके से लिख देंगे। तीसरे में जो C:D था इसमें लेफ्ट राइट दोनों खाली था, तो इस लेफ्ट वाले वैल्यू को यहां पे लिख देंगे 2, 2 और इस राइट वाले वैल्यू को 3 को यहां पे लिख देंगे जो कि आ जाएगा 3। और लास्ट में आपका जो 2 था, ये 2 जो है यहां पर खाली स्पेसेस में 2:2 और 2 इस तरीके से हम लिख देंगे। और जैसे ही आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको सीधा सीधा इस तरीके से वर्टिकली सारे वैल्यूज जो दिख रहे हैं उसको एक बार में मल्टीप्लाई कर देना है। तो A का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 2, 4 × 3 करोगे तो 12 आएगा, ठीक। 2 × 3 या 2 × 2 × 2, बी का वैल्यू 8 × 3 करोगे 24 आएगा, ठीक। सी के वैल्यू की बात करें तो यहां पर 4 × 4 = 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 32 आएगा, 32। डी की बात करते हैं तो यहां पर 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, 16 × 3 = 48 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट वाले वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 120, 3 × 4
और 2 × 5 होता है 10, यानी कि यहाँ 120 आ जाएगा। ठीक, 3 × 4 = 12, 2 × 5 = 10, तो 12 × 10 करोगे तो 120 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन सभी वैल्यूज को। 4 से सभी वैल्यूज कट जाएंगे, 4 से काटने पर यहाँ 3, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 30 आ रहा है। तो ये आपका रेशियो बन गया A:B:C:D:E का। तो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे किया, लेकिन अगर आप इस चीज़ के प्रैक्टिस कर लें तो विद इन 1 मिनट आप इस चीज़ को कर सकते हैं फटाफट, अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेशन करें, क्योंकि आसान है, प्रैक्टिस करना आसान है और साथ में याद रखना भी आसान है ये प्रोसेस। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम कुछ सवाल देखते हैं, कुछ आसान आसान से सवाल। मैंने जैसे कहा आपको कि पहला जो वीडियो है ये वाला, इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें, रेशियो आ गया तो उसको हैंडल कैसे करना ये सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया, फाइंड द फ्रैक्शन दैट बियर्स द सेम रेशियो टू 1:1/27 एज 3/7 डस टू 5/9, यानी कि वह भिन्न ज्ञात करिए जो कि 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 और 5:5/9 का। तो 3/7 और 5/9 का जो अनुपात बन रहा है वही एक दूसरे फ्रैक्शन का 1/27 से बन रहा है, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको एक बात कही शुरुआती तौर पे कि जहां पे आपका रेशियो होता है उसको आप डिवीजन कर सकते हैं। तो हमने रेशियो के सवाल को क्या बना दिया, डिवीजन का सवाल बना दिया। और सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ हम देख चुके हैं कि x के आगे जो वैल्यू होता है उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ 3/7 डिवाइडेड बाय था तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9/5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्व करिए, 3 और 9 मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 1/35, 1/35। ठीक, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। एक आसान से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगला वैल्यू यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है दिया गया है। अब 2a + 3b/3a/4b हमें निकालना है। ठीक, ए अनुपात बी 3:4 था, अब 2a + 3b/3a + 4b का मान हमें याद करना है। तो देखिए जब भी आप इस तरीके का सवाल देखते हैं जहां पे ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है और हमें कुछ ऐसा वैल्यू निकालने को कह रहा है जिसमें ऊपर कुछ वैल्यू है नीचे कुछ वैल्यू, आपको बस यही चेक करना है कि ऊपर जो वेरिएबल है, यानी कि जैसे ए और बी है, नीचे भी ए और बी है, इसमें प्लस माइनस के साइन के साथ इनको अरेंज किया गया है। दूसरी बात ये देखना है कि इनके घात पर जो वैल्यू चल रहा है वो सेम होना चाहिए, यानी ए के घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 और 1 है, हर जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का अगर मैं 5 करके यहाँ पर कोई वैल्यू ना लिखूं और नीचे माइनस का 6 करके यहाँ कोई वैल्यू ना लिखूं तो फिर इस तरीके का अप्रोच नहीं फॉलो होगा और आपके एग्जाम में वैसा सवाल आता भी नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है। ठीक, तो करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको ए की जगह पे 3 लिखना है और बी की जगह पे 4 लिखना है, मतलब ए की जगह 3, बी की जगह 4। तो ए की जगह 3 लिखोगे तो 2a बनेगा, ये 2a का मतलब 6, 4b का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 3a मतलब 3 डालोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 4b मतलब 4 डालोगे तो ये बन जाएगा 16। तो क्या मिल रहा है यहाँ से, बन जाएगा 18/25, 18/25, मतलब कि डी जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक, अब मैंने ऐसा किया तो क्यों किया उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मैंने आपको कहा कि ए रेशियो बी जो है वो 3:4 है, इसका मतलब यही होता है कि ए बराबर 3x है और बी बराबर 4x है। ये बेसिक से आप चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर मैं 2a लिखूं और 3b लिखूं तो 2a का मतलब ये है कि आपने a की जगह पे 3x लिखा तो बन जाएगा 6x, ये 3b की जगह पे 4x लिखता होता ही बन जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 3a नीचे लिखोगे तो ये बन जाएगा 9x और यहाँ पे 4b की जगह पे इतना डालोगे तो 16x बन जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या हुआ तो 18x/25x हो रहा है और अल्टीमेटली क्या होता है ये x और x कट जाता है तो आंसर आपका 18/25 आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप x का वैल्यू क्या ले रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर x का वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए आपका आंसर अल्टीमेटली 18/25 आएगा क्योंकि x कट जाना है। इसलिए जो चीज़ें मैंने कही कि ऊपर और नीचे का जो घात पे वैल्यू चढ़ा हुआ है वो सेम होना चाहिए, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर वही आएगा। ए का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 नहीं है, ए का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 जो है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 और 4 आ रहा है तो डायरेक्टली आप 3, 4 वहाँ पे डाल के आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर जो x वाला एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वो कट आउट हो जाएगा। ठीक, ऊपर नीचे। चलिए ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 3a³ - 5b³ रेशियो 2a³ + 2b³ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 15/19 दिया हुआ है। तो 6a - 4b = a + 3b का वैल्यू क्या है हमें निकालना है। तो ये लगभग पिछले सवाल जैसा ही है जिसमें हमें 6a - 4b और a + 3b का वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि यहां a = b नहीं दिया, इनडायरेक्टली कुछ और वैल्यूज दिया है। तो इसको सॉल्व करना होगा। इसको 3a³ - 5b³ / हमें दिया हुआ है 2a³ + 2b³ = जो है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 15/19। ठीक, ये वैल्यूज हमें दिए हुए हैं। तो पहले हमें यहां पर a = b निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 19 को यहां और 15 ये 2a³ + 2b³ को वहां ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पे। तो ये 19 जाएगा तो ये बन जाएगा 57 a³ - 95 b³। ठीक है, और ये 2 यहां पे जाएगा तो 30 a³ + ये 2 यहां पे जाएगा तो 30 b³ भी बन जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब हम इसको अरेंज करते हैं। ये 30 वाले टर्म को लेफ्ट साइड और ये माइनस के 95 वाले को राइट साइड ले आते हैं। तो 30 वाला टर्म यहां आएगा तो माइनस होगा, तो 27 a³ बचेगा, 57 - 30। ये 95 वहां जाएगा तो 95 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, 125 b³ आएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूं, यहां पर भी क्यूब रूट और यहां पर भी क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा 3a = 5b, क्योंकि ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। मतलब a बाय b जो है इसका रेशियो जो बना वो बन गया 5/3 का। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो समझ लीजिएगा कि a जो है वो रेशियो में 5 है, b जो है वो रेशियो में 3 है। ये चीज का हमें ध्यान देना है। अब यहां से a और b का रेशियो 5:3 आ गया, तो यहां पर बस अब इसका वैल्यू निकालना था। तो यहां 5 डाल देते हैं, जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 5 डाल देंगे, जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां 3 डाल देंगे, क्योंकि रेशियो है और दोनों तरफ यहां a b के वेरिएबल के घात पर एक ही लगा हुआ है। मतलब ये बन जाएगा 30 - 12 रेशियो में यहां पे आ जाएगा 5 + 9, तो ये बन गया आपका 18:14। यहां से 14 आ रहा है, 2 से काटोगे तो 9:7 आएगा, 9:7। ठीक है, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो कुछ और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहां दिया हुआ है 6a = 4b = 9c है। तो a = c क्या है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था थ्योरी पार्ट में। तो डायरेक्टली क्या करना है बताइए, 6a = 4b = 9c हमें दिया हुआ है। तो a = b = c तो वो होता है जो डिनोमिनेटर में चले, यहां तो सारी चीजें न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना होगा, 6, 4, 9 का एलसीएम जो है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम होता है 36, 36, 36 और 36, इससे आपको तीनों जगह डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने से क्या होगा, ये फायदा होगा कि ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, a/6 जो है वो बराबर है b/9 के और ये बराबर है c/4 के। तो 6:9:4 जो है ये सही उत्तर है। तो डी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक, आप चाहे तो ऑप्शन में यहां पर डायरेक्टली वैल्यू चेक भी कर सकते हैं कि 6 × 6 = 36, 4 × 9 = 36 है और 9 × 4 = 36 है, तीनों इक्वल आ रहे हैं इससे। या छोटा तरीका अपनाना चाहते हो तो छोटा तरीका, डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर अगर आप उड़ाना चाहते हो तो ये देखिए कि यहां पर 6:4 है। अगर ये 6:4 है तो ये 4:6 होना चाहिए। तो 4:6 देखिए कहां आ रहा है, 4:6 यानी कि आपका ये 2:3 के रेशियो में होना चाहिए। तो 2:3 के रेशियो में केवल यहीं पे है। तो डी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक, तो ऐसे भी आप इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है a = b/c, b + c और c = a + b का रेशियो दिया है। आपको b = a + c का वैल्यू निकालना है। तो इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि a = b + c जो है इसका वैल्यू था 1:3 का। ठीक, और दूसरे वाले में दिया हुआ था c = a + b जो है इसका रेशियो दिया हुआ था 5:7 का। हमें जो निकालना है वो है b = a + c को। ठीक है, तो इस सवाल को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने सी एंड डी टच नहीं किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, तो उससे भी मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अभी आप समझिए कि यहां पर चल क्या रहा है।
मैंने यहाँ ए बी सी तीनों वेरिएबल का यूज़ किया, यहाँ पर भी सी ए बी तीनों वेरिएबल का यूज़ किया, यहाँ पर भी बी ए सी तीनों वेरिएबल को यूज़ किया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर एक रेशियो में एक ही बात कहनी चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पहले वाले रेशियो में देखूँ तो कुछ अलग चीज़ मुझे मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, और दूसरे वाले रेशियो में कुछ अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जो मैं तीन दोनों में चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ए अलग दिया था, यहाँ बी प्लस सी अलग दिया था, यहाँ सी अलग दिया था और ए प्लस बी अलग दिया था, तो ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लूँ, पहले वाले में ए प्लस बी प्लस सी जोड़ूँ तो यहाँ पर वन प्लस थ्री होगा जो कि है चार, यहाँ पर भी सी प्लस ए प्लस बी तीनों को जोड़ दूँ तो यहाँ पाँच प्लस सात आ रहा है जो कि है बारह। तो दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो ये तो गलत हो सकता है। इसका मतलब अगर दोनों को एक ही बात पर लाना है तो दोनों जगह बारह बनाना चाहिए, यानी इस चार को अगर मुझे 12 बनाना है तो मुझे इससे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई करना मतलब दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करना, तो ये 3:9 बनेगा, 3:9। अब ये जो है सेट है पूरी तरीके से, जो वैल्यूज जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 3 है, ये वाला रेशियो हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें वैल्यू 12 नहीं कह रहा, लेकिन इसमें 12 कह रहा, तो अब इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो ए के जगह पे हम 3 ले सकते हैं, सी के जगह पे हम 5 ले सकते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी है, ए को मैंने दे दिया 3 और सी को मैंने दे दिया 5, तो दोनों में आप देखेंगे तो 3 और 5 जोड़ने पर 8 आ रहा है, 8 चला गया तो टोटल तो 12 था, मतलब 12 में से अगर 8 गया तो बचा 4, तो सी का बी का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब आप इससे जो वैल्यू पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बी का वैल्यू 4 है, ए प्लस सी करोगे तो 3+5 यानी 8 आएगा और यहाँ पे 1:2 आएगा, ठीक। तो रेशियो को जो बैलेंस करने के तरीके हैं ये बहुत हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसमें हमने रेशियो को कैसे बैलेंस किया, कोई इंडिविजुअल एलिमेंट से नहीं, हम ये देख रहे हैं कि इसका जो टोटल सम है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए था, एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 12 है, मतलब रेशियो इम्बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो मैंने सम को इक्वल किया, दोनों तरफ 12 बनाया, तब जाके मैंने इंडिविजुअली देखा कि सी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू। डायरेक्टली अब यहाँ पर ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5 लोगे तो ये गलत है, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 4 है और ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 12 है, जो कि गलत है, ठीक। तो पहले बैलेंस करना जरूरी है, सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एज टू बीज टू सी 1/4 1/3 और 1/2 के अनुपात में, तो a by b is to b by c is equal to c by a का रेशियो क्या है निकालना है। तो सबसे पहले a is to b is to c का जो रेशियो दिया है वो दिया होगा 1/4, 1/3 और 1/2। तो आप लोग ने देखा था कि हमें इस तरीके के रेशियो को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसको फ्रैक्शन से हटाकर हम इसे होल नंबर्स में लाएं। तो जब 4 से 3 से और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 3 2 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है, तो मैं तीनों में 12 12 और 12 मल्टीप्लाई करूंगा। 12 12 12 से मल्टीप्लाई करने से ये होता है कि 4 से काटोगे तो यहाँ 3 बनेगा, 3 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो यहाँ 6 आएगा। तो ये ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय ए। मतलब हमें जो फाइंड करना है वो ए बाय बी रेशियो बी बाय सी रेशियो सी बाय ए फाइंड करना है। तो ए बाय बी मतलब 3/4, क्योंकि ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है। बी बाय सी मतलब 4/6 और सी बाय ए का मतलब 6/3, ठीक। तो 3 से काटोगे तो यहां 2 आ रहा है, इसको काटोगे तो 2/3 आ रहा है। अब ये तो 3/4 है। अब अगेन यहां पर आपको ये देखना होगा कि मैं इसे कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि यहां 3/4 है, पहले वाले रेशियो में 3/4 है, दूसरे वाले में 2/3 है और तीसरे वाले में 2 है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिख रहा। तो हमें हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यूज को इंटीजर में लाना है। फ्रैक्शन वैल्यूज को इंटीजर में लाने का मतलब इसके हरों में जो वैल्यूज चल रही है उसको आप एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करिए। जैसे 4 3 है तो यहां पर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। 3 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, तो ये बन जाएगा 9:, यहां पे आ जाएगा 8:24। तो 9:8:24 वाला जो ऑप्शन है बी, यही आपका सही उत्तर है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। तो ये होता है सही तरीका, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहां से हम आते हैं प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन जो है वो आपके लगभग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि प्रपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो इक्वल हो जाए, जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं, यानी कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जैसे ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विद सी इज टू डी है,
तो इसका मतलब होता है कि a बाय बी जो होगा वो बराबर c बाय डू होगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि a जो है वो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाता है यानी प्रथम अनुपाती कहलाता है, b जो है वो सेकेंड प्रोपोर्शन कहलाता है यानी कि द्वितीय अनुपाती कहलाता है, ठीक, और c जो है आपका तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, और डी जो है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, या आप इसको तृतीय समानुपात भी कह सकते हैं, ये जो है हिंदी में तृतीय समानुपात भी कह सकते हैं, इसको चतुर्थ समानुपात, इसको सेकंड प्रोपोर्शन है, ये प्रथम अनुपाती जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ठीक। तो ये इसके नाम होते हैं ए बी सी डी के। ये तो कुछ बातें हो गई। अब सपोज करिए कि कोई एक प्रोपोर्शन है, कोई एक प्रोपोर्शन है जैसे कि ए बी सी डी ई, ये सभी अगर समानुपाती है, समानुपाती है यानी कि प्रोपोर्शन में, आर इन प्रोपोर्शन, जब भी अगर सारे वैल्यूज प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, यानी कि इसका जो अनुपात होता है अलग अलग वैल्यूज का वो सेम होता है। कहने का मतलब ये कि ए अनुपात जो बी होगा वही आपके बी अनुपात सी के बराबर हो जाएगा, वही आपके सी अनुपात डी के बराबर हो जाएगा, वही आपके डी अनुपात ई के बराबर हो जाएगा, और ये जो है आगे चलता रहेगा। जब ए बी सी डी ई समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शन में होता है तो ए अनुपात बी, वही बी अनुपात सी होगा, वही सी अनुपात डी होगा, वही डी अनुपात ई होगा। कहने का मतलब ये कि जो रेशियो ए बी में है वही रेशियो बी सी में, वही रेशियो सी डी में, वही रेशियो डी ई में है। तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि उसका जो गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि क्रमागत जो आपके टर्म्स है, पद है, उसका अनुपात सेम होता है, तो इसी को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शन में अगर सारे वैल्यूज आ जाए तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक। चलिए, अब यहां से हम ये कहेंगे कि तीन नंबर एक्स वाई जेड अगर प्रोपोर्शन में है, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड प्रोपोर्शन में है, इस प्रकार है कि x बाय वाई बराबर वाई बाय जेड हुआ, तो कहने का मतलब क्या है कि x y z जो है ये प्रोपोर्शन में हुए, समानुपाती हुए, तो x बाय वाई बराबर y बाय जेड होगा। तो इसमें जो y होता है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है x और z का, यानी x और z का मध्यानुपाती कहलाता है y। मतलब कि समझिए कि यहां पर जो तीन वैल्यूज हैं, इन तीन वैल्यूज में जो बीच वाला वैल्यू है वो आगे और पीछे वाले वैल्यू का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। क्लियर? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालिए तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये। क्योंकि अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको रीअरेंज करने पर मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड ही तो हुआ। मतलब दो नंबर आपको दिए गए, उन दोनों नंबर का आपसे कहा जाए कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना, तो मीन प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं, इस तीन वेरिएबल को अगर हम समानुपाती कहें तो जो तीसरा वैल्यू होता है, ये जो थर्ड वैल्यू होता है जेड, ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है पहले और दूसरे वैल्यूज का, पहले और दूसरे वैल्यूज का थर्ड प्रोपोर्शनल जेड कहलाता है। तो आप तो जानते ही हैं कि एक्स बाय वाई बराबर वाई बाय जेड है, तो ये जो तीसरा प्रोपोर्शनल है इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ठीक, वो हम देख लेते हैं। उसके पहले ये नोट कर लीजिए कि z जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है x y का, यानी पहले दूसरे नंबर का तीसरा प्रोपोर्शनल z कहलाता है। तो x z जो है वो x y का तृतीय अनुपाती कहलाता है, और तृतीय अनुपाती अगर z हुआ तो z का वैल्यू हो जाएगा y स्क्वायर बाय टू। तो यहां से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आप जानते हैं कि z बराबर क्या मिलेगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मिलेगा। मतलब कि आपको दो नंबर दे दिया गया x और y, x और y का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को कहा जाए तो दूसरे नंबर का दो बार मल्टीप्लीकेशन करिए और पहले नंबर से डिवाइड कर लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन के बाद एक और बात जो हमें जाननी है वो है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चार नंबर यदि प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, चार नंबर कुछ इस प्रकार है कि वो प्रोपोर्शन में है, ए बी जो है, ए बटा बी जो है वो सी बटे डी के बराबर है, कुछ इस तरीके से है कि समानुपात में है, ए बी सी डी जो है वो समानुपात में, यानी ए अनुपात बी जो है वो बराबर है सी अनुपात डी के, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इसमें से जो चौथा नंबर होता है, फोर्थ नंबर जो होता है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है ए बी सी का, डी जो है ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, चतुर्थ समानुपात भी कहीं कहीं पे इसे हम कहते हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि डी का वैल्यू क्या होगा, अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो डी यहां आ जाएगा, बी इधर और ए नीचे, मतलब कि कहीं ना कहीं डी का वैल्यू बी सी बाय ए होता है। कहने का मतलब यह है कि
कि अगर आपको तीन नंबर दिए गए और आपको कहा जाए कि आप चतुर्थ अनुपाती निकालिए, ए बी सी आपको दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका चतुर्थ अनुपाती यानी चतुर्थ समानुपात निकालें, तो क्या करना होगा, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करना होगा और पहले वाले से डिवाइड कर देना होगा, तो जो वैल्यू आएगा वही इसका चतुर्थ समानुपात यानी चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पर जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 4 और 12 का, तो 4 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो 12 × 12 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए और बी दिया हुआ है, सी इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो वो बी स्क्वायर बाय ए होता है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर को और पहले से डिवाइड किया, तो 4 से काटोगे यहाँ पे 3 बार कटेगा, मतलब 36 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं जो कि है 13, 96 और 31, इसका चतुर्थ समानुपाती आपको निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 96 एंड 31। तो जैसे आपने देखा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन डी कैसे निकलता है, डी निकलेगा आपके बी सी डिवाइडेड बाय ए से, तो बी इंटू सी करना होगा यानी 96 मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 8 बार कटेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय यदि मैं 31 करूं तो ये हो जाएगा 248। तो इस सवाल का सही उत्तर जो है वो है बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, 248। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तृतीय समानुपातिक निकालना है एक बार फिर से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.5, क्योंकि आप दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे जो कि है 9 और उसको पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो 9/2 यानी कि 4.5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मीन प्रपोर्शन आपको निकालने को कहा जा रहा है, तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है, आप जानते हैं कि अगर तीन वैल्यूज मीन प्रपोर्शन में है, तो पहला वैल्यू अगर एक्स है और तीसरा वैल्यू जेड है, तो बीच में जो आता है मीन प्रपोर्शन वाई, इसका वैल्यू निकाला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू जेड से, मतलब आपको जो मीन प्रपोर्शन निकालना है इन दोनों का, तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 2.43 इसका आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो देखिए 243 इंटू 3 करोगे तो 729 आएगा, और क्योंकि 4 डेसिमल है तो यहां पर भी 4 डेसिमल होगा, और 729 देखते साथ यही समझ में आता है कि ये आपका टोटल जो है 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर यानी बाहर आपका 27 आ जाएगा, और क्योंकि यहां 4 डेसिमल था तो यहां 1 ही डेसिमल आएगा स्क्वायर रूट करने पर के बाहर निकालने पर, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है हम पहले स्क्वायर स्क्वायर रूट में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर मैं अभी इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पहले वीडियो में हमने ये बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखा है। अब देखिए यहां से फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शनल इज 48। दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका मध्य समानुपातिक जो है वो 6 है और तीसरा अनुपातिक जो है यानी कि तृतीय अनुपातिक जो है वो आपका 48 हो। तो इस तरीके के सवाल में आपको जब मीन प्रपोर्शन कह दिया गया 6, तो मीन प्रपोर्शन होता क्या है, मीन प्रपोर्शन y जो होता है ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने पर आता है। तो अगर मैं केवल दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर आना चाहिए, यानी अगर मैं कहूं कि 6 और 42 दो संख्या है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना था, 6 का स्क्वायर आना था, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये जो है पहला ऑप्शन गलत है। 9 × 36 करने से भी 36 नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर 6 का स्क्वायर आना चाहिए ना, 6 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि 36। 2 और 18 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। 3 और 12 को मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। तो देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बताइए 48 का थर्ड प्रोपोर्शन आना चाहिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते थे, सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए, मतलब कि अगर मैं यहां पे 18 × 18 करूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो क्या मेरा 48 आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो सही ऑप्शन यही होना चाहिए। एक बार चेक कर सकते हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन 48 आ रहा है क्या, 12 × 12 डिवाइडेड बाय यदि मैं 3 करूं तो ये 4 बार कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 48। ठीक है, इंग्लिश में जो है यहां पर, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये एक्चुअली 6 होगा, 3 होगा सॉरी, और ये आपका 2 होगा, बाकी चीजें सही है, यहां पर 3 आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4:0.8 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 13.5 एंड 0.24।
तो हमें रेशियो निकालना है किसके किसके बीच का, इन दोनों के तृतीय समानुपातिक का और दूसरे और तीसरे वैल्यू के मध्य समानुपातिक के बीच का अनुपात निकालना है। तो हमें किसका किसका अनुपात निकालना है, पहले इन दोनों के बीच के तृतीय अनुपातिक का, यानी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 का तृतीय अनुपातिक इसी तरीके से निकलता है। और मध्य अनुपात निकालना है किसका किसका, तो 13.5 का और 0.24 का, यही हमें निकालना है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 बनेगा, यानी 1.6 यहां पे लेफ्ट साइड में आ रहा है। और इस 1.6 के डेसिमल को हटा के मैं 16/10 लिख सकता हूं। यहां पे क्या है वैल्यूज देखिए, अगर ये 135 है, यानी देखिए 13.5 को मैं 135/10 लिख सकता हूं, 24/100 लिख सकते हैं हम दूसरे वाले वैल्यू को। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 100 जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा लेकिन 1000 का नहीं निकलेगा। तो मैं इस 100 को एज इट इज रखता हूं, दूसरे वाले 10 को काट लेते हैं। दूसरे वाले 10 को मैं काटने जाऊंगा तो यहां से 2 बार अगर काटा जाए तो 5 आएगा, तो इसे 12 बना लेते हैं। और इसे 5 से काटा जाए तो यहां पर ये कटेगा 27 से, ठीक है 27। अगर मैं यहां से 3 को लेकर 27 में मल्टीप्लाई करूं तो 81 बनेगा, और वहां पे आपका 3 के बाद 4 छूटा हुआ है तो 4 यहां पे और 100 यहां पे, यानी कुल मिला के जब स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू आएगा तो नीचे 10 और ऊपर 9×2 बचेगा, और यहां पे 16/10 है। तो बताइए रेशियो क्या हुआ, 10 कट गए, 2 से काटोगे तो यहां 8 बनेगा, मतलब 8:9 जो है इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। तो सी जो है इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक, तो हमने यहां पे क्या किया, अनुपात निकाला एक दो वैल्यूज के तृतीय अनुपात का और बाकी दो वैल्यूज के मध्य समानुपात का, इन दोनों का अनुपात हमने निकाला। अब देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे सवाल एल्जेब्रा में बनता है, सर्च इंडाइसिस में बनता है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी बनता है। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो जो है ये मैंने आपको पहले भी सर्च में थोड़ा सा बताया था, तो जिन्होंने वो देखा है उनके लिए एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार अच्छे से नोट डाउन करके रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोट एंड स्ट्रीम में भी मैं कैलकुलेशन ट्रिक में कभी कभी सीएनडी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये केवल ऐसा सीमित मत रखिए कि रेशियो प्रोपोर्शन में आता है, ये कैलकुलेशन को एनहांस भी करता है कहीं कहीं पे। तो कंपोनेंटों का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हमें ए बाय बी बराबर सी बाय डी है दिया हुआ है, तो कंपोनेंटों का मतलब है कि दोनों तरफ हम निकाल के प्लस वन करें, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी बी बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी होगा। तो हमें अगर ये दिया है तो इसका कंपोनेंटों करने पर ये वैल्यू मिलता है। ठीक, सेकेंड चीज, अगर डिविडेंडो लगाना है, डिविडेंडो का मतलब होता है अगर ए बाय बी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू सी बाय डी दिया तो दोनों तरफ माइनस वन करने को हम डिविडेंडो कहते हैं। माइनस वन करोगे तो यहां ए माइनस बी बाय बी आएगा, यहां पे सी माइनस डी बाय डी आएगा। ठीक, तो अगर हमें ये वैल्यू दिया हुआ है कहीं ना कहीं तो इसका डिविडेंडो करने पर ये वैल्यू आता है। अब आते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे, यानी दोनों चीजें लगाना। जब हमने कॉम्पोनेंटो लगाया तो हमें ये रिजल्ट मिला, और जब हमने डिविडेंडो लगाया तो ये रिजल्ट मिला। तो ये हमारा कॉम्पोनेंटो है और ये हमारा डिविडेंडो का रिजल्ट है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने का मतलब है कि आपको जो यहां वैल्यू मिला और यहां जो वैल्यू मिला, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो बी बी से कट जाएगा, डी डी से कट जाएगा, तो मिलेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप कहीं भी नोट करके रखिए अपनी नोटबुक पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, केवल कॉम्पोनेंटो से भी, केवल डिविडेंडो से भी, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी। ठीक, यहां पे मैंने इसको बताया, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा जो आपको दिमाग में याद रखनी है कि जरूरी नहीं हर बार आपको इसी फॉर्मेट में मिले और आप रिजल्ट यही निकालो। कभी कभी फॉर्मेट ऐसा भी रहता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ऐसे फॉर्मेट में भी रहता है। तो जैसे ही मैं यहां पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाता हूं तो राइट साइड वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और लेफ्ट साइड वाला वैल्यू क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी आएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस में ए माइनस बी आ जाएगा, है ना, यही आएगा यहां। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये ए प्लस प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, यानी ए प्लस ए होता है 2a, b माइनस ऑफ माइनस बी होता है 2b, मतलब कि कुल मिला के ये 2 कट के वैल्यू जो बचता है वो बचता है ए बाय बी बराबर है इसके एक्स प्लस वाई
डिवाइडेड बाय x माइनस y। इसको मैं मुझे यहां बताने का पर्पस यही है कि आप इस चीज का शॉर्ट ट्रिक बना के रखें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ये सारी चीजें करने का समय नहीं होता। तो आप बस ये नोट करके रखिए कि जब a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी जब दिया है, इस तरीके के एक्सप्रेशन पे जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाता है तो बसता है ये जो प्लस के पहले वाला वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में बसता है और माइनस के बाद वाला जो वैल्यू यहां पे है वो डिनोमिनेटर में बचता है। यानी इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जब लगाओगे तो क्या आएगा, तो डायरेक्टली लिखोगे ए बाय बी आता है। और जब इस तरीके के फॉर्मेट में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई आता है। इस चीज का आप नोट बना के रखिए। हालांकि जो रिजल्ट है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का वो सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर ए बाय बराबर सी बाय डी है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर है c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्या है वो समानुपात में हो। तो ये समझिए कि मैं मुझे ये कहा जा रहा है कि आपने 103 में x जोड़ा, 135 में आपने फिर से x जोड़ा, 110 में आपने फिर से x जोड़ा और 144 में हमने x जोड़ा। और जैसा ही हम x जोड़ते हैं तो जो नंबर निकल के आते हैं वो समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। तो एक तरीका यह है कि हम ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल करके देखें, लेकिन इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे डिविडेंडो लगा के सॉल्व करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या वैल्यू दिया, 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है 135 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है, बराबर है यहाँ पर 110 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 144 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां डिविडेंडो लगाता हूं दोनों तरफ तो माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा ऊपर। डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ माइनस वन करना, तो माइनस वन करोगे तो ऊपर एक्स कट जाएगा, 103 माइनस 135 करोगे तो माइनस का 32 आएगा, ठीक, और 103 यहां पे डिनोमिनेटर में यही वैल्यू रहेगा जो कि है 135 प्लस एक्स, ठीक। और यहां पर भी अगर मैं डिविडेंडो लगाता हूं यहां पे 34 आएगा, माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 144 प्लस एक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये जो वैल्यू है ये बन गया कहीं ना कहीं, अगर इसको रेशियो में लेंगे तो ये बन गया 16, ये बन गया आपका 16 और ये बन गया आपका 17, 16:17 में बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर देगा, देखिए यहां पर आप फिर से पूरी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप यहां पर थोड़ा सा चतुराई लगाइए रेशियो का। आपने देखा कि ये वैल्यू कितने से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वैल्यू प्लस वन से, और ये वैल्यू कितने से बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रहा है प्लस के 9 से, मतलब 1:9 जो है वो 9 के बराबर है। मतलब ये जो 17 है, ये 17 जो है ये 17 बराबर क्या होगा तो 153 होगा, और ये जो 16 है ये 16 बराबर होगा 144। मतलब कि इस x का मान आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है, ये जो x है इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को सारी स्टेप्स समझ में नहीं आया हो, तो मैंने जो यहाँ पर किया है एक बार मैं इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पहले ये दोनों वैल्यूज जो दिए थे इसको मैंने रेशियोज में समझाया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिविडेंडो लगा रहा हूँ। डिविडेंडो का मतलब है 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 135 प्लस एक्स, में मैंने क्या किया माइनस का एक्स वन किया। यहाँ पर मैंने क्या किया 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 144 प्लस एक्स, में माइनस का वन किया। तो जैसे ही माइनस वन करोगे एलसीएम आएगा, ये 135 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स और माइनस एक्स कट जाना है। 103 माइनस 135 करोगे तो यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 34 आ रहा है, जिसका रेशियो क्या है तो 16:17 है। अगर ये 16:17 है, ठीक है, 16:17, और यहाँ रेशियो क्या है तो 135 प्लस एक्स इज टू 144 x, तो यहाँ तो वैल्यू 9 से बढ़ रहा था, यहाँ वैल्यू 1 से कैसे बढ़ सकता है, इसका मतलब इसको मुझे 9 बनाना होगा, इस डिफरेंस को 9 बनाना होगा। ये चीज़ हम बैलेंस करते आ रहे हैं, कोई भी रेशियो में अगर कोई एक रेशियो कुछ बात कह रहा है तो दूसरे रेशियो को भी वही बात कहना चाहिए। लेकिन पहला रेशियो बोल रहा है कि मैं 1 से बढ़ रहा हूँ और दूसरा रेशियो कह रहा है कि मैं तो 9 से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये 135 प्लस एक्स है, ये 144 प्लस एक्स है, तो दोनों अलग अलग बातें नहीं कह सकते। मतलब ये पहला वैल्यू जो 16 है गलत है, 16 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 पहला वैल्यू था
और 17 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 153 दूसरा वैल्यू था। अब ये भी 9 से बढ़ रहा है, 144 से 153, ये भी 9 से बढ़ रहा है, मतलब ये अब पुष्टि हो गई कि 135 प्लस एक्स जो है वो 144 के बराबर है। यहां से एक्स का वैल्यू आएगा 9। क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस सवाल से रिलेटेड, यानी कि अभी हमने जो देखा प्रोपोर्शन से रिलेटेड और कंपोनेंट और डिविडेंडो से रिलेटेड। अब आपसे बनेगा ये वैल्यू, यहां दिया हुआ है कि x को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21, 22, 60 एंड 64, द नंबर सो ऑब्टेंड आर इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8। तो 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से जब x को घटाया जाता है तो इस क्रम में जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में हैं, तो हमें x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मीन प्रपोर्शन निकालना मतलब हमारा जो काम है वो x प्लस 1 और 7x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट निकालना, यानी मीन प्रपोर्शन निकालने को कहा जा रहा है। x के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्टली कहा गया कि x को जब इन चारों संख्याओं में माइनस किया जाता है तो वैल्यू जो मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे समानुपाती होती है। तो यहां से आपको क्या करना है, 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स करना होगा, ठीक, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने को कहा जा रहा है, 22 है सॉरी डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाला वैल्यू जो है यह है 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 62 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स सॉरी। अब जैसे ही मैं इसमें डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये माइनस वन यहां भी और माइनस वन यहां भी होगा, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस एक्स कट जाएगा, 21 माइनस 22 करोगे तो माइनस वन आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 22 माइनस एक्स। यहां पर जब माइनस एक्स करने जाओगे तो नीचे 64 माइनस एक्स होगा, ऊपर क्या आ रहा है तो 60 माइनस एक्स, माइनस में 64 माइनस एक्स आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आपका जो है ये एक्स और एक्स कट जाएगा, ये एक्स और एक्स कट जाएगा, 60 माइनस 64 करोगे तो ऊपर माइनस का 4 आएगा, वही चीज मैंने यहां डायरेक्टली लिखा है माइनस एक, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। तो अब आप देखिए बात को कि अगर मैं इसे काट दूं तो रेशियो क्या बन रहा है दोनों तरफ, यहां पे बन रहा है 1:4 का रेशियो। वैल्यू कितने से बढ़ रहा है यहां पे, 3 से बढ़ रहा है, और यदि आप इसको देखते हैं तो वैल्यूज कितने से बढ़ रहा है, 22 से बढ़ के यहां पर बन गया 64, मतलब प्लस 42 हुआ, कितना हुआ प्लस 42, यानी कि कहीं ना कहीं ये 3 का डिफरेंस यहां पे और 42 का डिफरेंस दूसरे में, ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो दोनों को एक ही बात कहना चाहिए था कि अगर दोनों तरफ 42 बढ़ रहा है या दोनों तरफ 3 बढ़ रहा है तो 3 को 42 बनाना ज्यादा आसान है, इसलिए मैं क्या करूंगा इस 3 में मैं क्या करूंगा 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई करने पर ही 42 बनता है, ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है 42 होता है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहां 42 होता है, मतलब ये जो पहला वाला 1 था ये गलत वैल्यू है, ये 4 भी गलत वैल्यू है, इसको बैलेंस करने के लिए ये वैल्यू को 14 बनाना होगा और ये वाले वैल्यू को 56 बनाना होगा। तो कहीं से भी आप देखिए 64 में क्या माइनस किया जाए कि यहां पर 56 आए तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। यहां पर भी आप देखिए 22 माइनस x बराबर क्या है 14 है, तो x बराबर 22 माइनस 14 होगा, मतलब x का वैल्यू 8 है। कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, लेकिन सॉल्व यहां पर अभी सवाल नहीं हुआ, हमें जो निकालना था वो ये निकालना था। तो ये x प्लस 8 यानी x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 करोगे 9 आएगा, यहां x इंटू 7 यानी कि 56 प्लस 8 करोगे तो 64 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 इंटू 8 होगा यानी कि 24 इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक, तो ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर। सेम टाइप के पैटर्न में ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे 2, 3, 35 जो है ये नंबर्स आर ऑब्टेन इन ऑर्डर, जब इसमें x को ऐड किया जाता है, x को ऐड करने पर ये वैल्यूज हमें मिल रहा है कि 2 प्लस एक्स जब करोगे, 3 प्लस एक्स जब करोगे, और 30 प्लस एक्स जब किया जाता है, और 35 प्लस एक्स जब किया जाता है, तो ये सारे जो वैल्यूज है ये कहीं ना कहीं जो है ये प्रपोर्शन में हो जाते हैं ये दिया गया, तो हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है इन दोनों का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट में जब वैल्यूज, यानी मीन प्रपोर्शन निकालना है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट, ठीक। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसमें आप फिर से डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स होगा, डिविडेंडो लगाने पर ये माइनस का 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 35 प्लस एक्स होगा, ठीक। कंपेयर करिए,
मतलब ये जो पहले न्यूमरेटर है ये किस रेशियो पे है, 1:5 पे है। तो जब मैं यहाँ पे प्लस 4 कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में प्लस का 32 हो रहा है, तो यहाँ दोनों सेम होने चाहिए थे, मतलब इस 4 का वैल्यू जो है वो 32 के बराबर है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 करने पर बनेगा, 4 गुणे 8 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 8 करना पड़ रहा है, मतलब ये जो 1 है ये 1 का वैल्यू है 8, तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। सेम यहाँ से भी आप देखेंगे तो x का वैल्यू 5 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 40। यहाँ से भी x का वैल्यू 5 आ रहा है, जैसे ही मैंने 5 लिखा तो ये बन जाएगा 5x+7 यानी 12, 5-2 तो 3, मतलब ये 36 हो गया। 36 का स्क्वायर रूट जो है ये बन जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन जो है सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक दो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उसको समझ लेते हैं। लिखिए समानुपात के इस विशेषता को। जैसे ही हम लिखते हैं कि यदि a बाय बी, c बाय डी, e बाय एफ जो है इस तरीके से है कि ये प्रोपोर्शन में है, a बाय बी, c बाय डी, e बाय एफ इस तरीके से कुछ प्रोपोर्शन में है, और आपको दिया गया है कि पी क्यू आर जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। पी क्यू आर क्या है? रियल नंबर्स है। तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखूं a by b बराबर c by d बराबर e by f, ये तो पहले से दिया था। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद हमने यहां पर पहला वाला जो रेशियो था, पहला वाला रेशियो मतलब a by b में हमने क्या किया, ऊपर और नीचे p से मल्टीप्लाई कर दिया, ap divided by bp। सेकेंड नंबर को लिया हमने, यहां c और d दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, c में भी d में भी, तो यहां पर cq और dq आ गया। तीसरा नंबर r था, r को हमने e में भी मल्टीप्लाई किया, f में भी मल्टीप्लाई, मतलब er divided by fr। तो ये जो नंबर नया नंबर निकल के आया ये इन सभी नंबर्स के भी बराबर होता है, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप नोट बना के रखिए कि कभी भी हमें जब कुछ रेशियोज दिए हुए जो बराबर हैं तो कोई भी नंबर हम लेकर अगर ऊपर नीचे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले में और दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई कर देते कोई दूसरा नंबर, तीसरे वाले में कोई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर वाले को इकट्ठा जोड़ दे और डिनोमिनेटर वाले को इकट्ठा जोड़ दे, तो जो वैल्यू आती है वो सारे रेशियोज के बराबर होती है, यही ये प्रॉपर्टी कह रहा है यहां पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर वैल्यूज दिए हुए हैं ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, मतलब देखिए ए बाय बी जो है ये सी बाय डी के बराबर है। हमने आगे क्या किया, m को लिया और a में मल्टीप्लाई कर दिया और b में मल्टीप्लाई कर दिया, और n को लिया उसको c और d दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम ए प्लस यहां पे नीचे एम बी किया हमने, एन सी और नीचे एन डी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये a बाय बी के भी बराबर होता है और ये c बाय डी के भी बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है ये बराबर a बाय बी होगा, a बाय बी का मतलब a इज टू b के बराबर ही होगा, यानी जो इसका आंसर है वो d ऑप्शन सही होगा, बाकी चीजें आपको यहां पर कंफ्यूज करने को रखा गया है। ठीक, क्लियर है इस तरीके के सवाल को कैसे लगाना है? बस आपको ध्यान रखना है कि अगर दो रेशियो अलग अलग बराबर हो गए, पहले वाले रेशियो में ऊपर नीचे हम कोई एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले में भी कोई एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों को जब ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को अलग अलग डिनोमिनेटर को अलग अलग, तो ये पहले वाले जो भी रेशियोज है इंडिविजुअल रेशियोज के बराबर ही होता है। एक और एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, तो ए बाय ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस डी बराबर है 6:7:8 में, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है सी का वैल्यू क्या है। तो जैसे ही आपने देखा यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस डी इस अनुपात में, इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी बटा 6 बराबर हो गया बी प्लस सी बटा 7 बराबर हो गया सी प्लस डी बटे सॉरी सी प्लस ए है ना सी प्लस ए और डिवाइडेड बाय 8। ये तीनों इक्वल हो गए क्योंकि रेशियो का मतलब यही होता है। अगर रेशियो का मतलब यही है तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई करके सारी चीजों को ऐड कर देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, क्योंकि अगर मैं यहां 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा, और सब चीज को ऐड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 6+7+8 आएगा, मतलब 21 आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक, मैंने क्या किया, 1 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, 1 से भी यहां पे मल्टीप्लाई कर, मतलब जो हमारा पी क्यू आर था उसको मैंने 1 1 1 लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो यहां ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या आएगा, आप देखिए यहां चल क्या रहा है, यहां पर ए दो बार आया, ये वाला ए दो बार आया, यहां पर बी भी दो बार आया, सी भी दो बार आया, मतलब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी,
ऐसा लिख ही सकते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ, मतलब जो कंडीशन है उस पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 14 है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, तो 14 है, 14 है, ठीक। हमें जो फाइंड करना था वो वैल्यू था सी का मान, सी का मान निकालना है, तो कितनी आसान सी बात है, क्योंकि अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कहीं से भी अगर ए प्लस बी का वैल्यू पता चल जाए तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी तो है, इस ए प्लस बी को इस आखिरी वाले वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, ठीक। तो क्या मिल रहा है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 6 जो है ये बराबर इसके होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 14 है, तो यहाँ 14 डाल देते हैं डिवाइडेड बाय 21, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 से अगर मैं काटूंगा इसे, इसको कलर चेंज करते हैं, 7 से अगर मैं काटूंगा तो 2 यहां पे 3 आएगा, 3 से काटने पर ये 2 बन रहा है, मतलब a प्लस बी जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब 8 है, मतलब कुल मिलाकर a प्लस बी का वैल्यू 8 है, इसमें c को जोड़ने पर 14 आ रहा है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने अभी आपको बताया, इस प्रॉपर्टी के तहत डायरेक्टली आप a प्लस बी सी प्लस डी और डी प्लस ए को जोड़कर 21 कर सकते हैं, नीचे यहां पर और ऊपर भी यहां पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो 14 है, जैसे ही आप वहां पर वैल्यू डालोगे a प्लस बी प्लस सी का तो वहां से a प्लस बी आ जाएगा जो कि 8 है, और यहां से 8 डालोगे तो c का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा, क्लियर है किस तरीके से हमें इस तरीके के सवाल को लगाना है। अब ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप नोट बना के रखिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाता है आगे बहुत सारे जगह पे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, पार्टनरशिप में, बहुत सारी जगह हम इस टर्म को यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती होना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती होना, ठीक। इसको आप नोट करके रखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होता है समानुपाती होना, समानुपाती होना, और अगर कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती होना, ठीक है, व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती होना, ठीक है। तो इसका आप नोट बना के रखिए। सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो पहले आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है लिखेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा हुआ है कि a जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि a जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है c के, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब a बराबर b के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब a जो है वो बराबर है 1/c के। इसका मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है b बढ़ रहा है तो a भी बढ़ेगा, b घट रहा है तो a भी घटेगा। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर c बढ़ रहा है तो a घटेगा और c घट रहा है तो a बढ़ेगा, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इक्वालिटी साइन लगा के ऐसा लिख लेते हैं, a बराबर हो गया बी सी बाय के। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों चीज को अगर कंबाइन करना है हमें, दोनों चीज को कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा k इंटू बी सी, यानी कि अगर एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं, k अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है ये बराबर हो जाएगा ए सी बाय बी, यानी कि हम ये लिख सकते हैं ए वन सी वन बाय बी वन बराबर है ए टू सी टू बाय बी टू, इस तरीके से, यानी दो अलग अलग वेरिएबल दिया है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या यहां पे क्या करना होगा, पहले बी सी का वैल्यू और ए का वैल्यू निकाल के के निकालना होगा, के एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, ठीक, ये चेंज नहीं होता है, और इसका वैल्यू निकाल के हम जो भी वैल्यू दिया हुआ है एबीसी का वो हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका महत्व क्या है,
कहां हम इसे यूज करेंगे। तो इसका जो यूज है वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। हम ये जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो यहां पर जो रेशियो स्पीड वन इज टू स्पीड टू का बनता है वो रिवर्स रेशियो बनता है टी टू इज टू टी वन का। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर टाइम वन इज टू टाइम टू का रेशियो जो है वो अगर वन इज टू टू का बन रहा है तो स्पीड वन इज टू स्पीड टू का जो रेशियो बनेगा वो टू इज टू वन का बनेगा। तो ये चीज यहां पर जो रेशियो प्रोपोर्शन में हम सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन आगे चल के टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी होता है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनरशिप जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बाद, वहां पे हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट होता है और प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट वन इज टू प्रॉफिट टू, अगर दो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ए और बी तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, सपोज करिए कि ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी तीन लोग हैं, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ए किया, बी का इन्वेस्टमेंट आई बी किया, सी का इन्वेस्टमेंट आई सी किया, ठीक। और इसका टाइम इन्वेस्टमेंट जो है टी ए है, टाइम इन्वेस्टमेंट जो टी बी है, टाइम सी है इसका। तो अगर प्रॉफिट के रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट और टाइम के। तो यहां पर आई ए इज टू टी ए, आई बी इज टू टी बी, आई सी इज टू टी सी बनेगा। तो जैसे ही मैं इस तरीके के टर्म्स यूज करूं कि कोई किसी का समानुपाती है, प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिट जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो उसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आगे पार्टनरशिप में आपको समझाऊंगा, अभी के लिए बस ये रखिए ध्यान में कि अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दो वैल्यूज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब ये होता है, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब ये होता है कि ए बराबर है के बी, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बराबर है वाई सी, ठीक। यानी कि ए जो है वो आपके समानुपाती है बी के, ए जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है सी के, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बराबर हो गया के इंटू बी बाय सी, ठीक। चलिए इतना थ्योरी काफी है, अभी इस सवाल को लगाते हैं उसके बाद फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए यहां देखिए दिया हुआ है ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड इन्वर्सली एज सी। तो ए जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है बी के साथ और इन्वर्सली वेरी करता है सी के साथ, मतलब ए बराबर क्या हुआ तो के इंटू बी बाय सी हुआ, जिसमें के एक कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। अब दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, ठीक है, ये तो हमने कर लिया कि ए बी का समानुपाती है, सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो दिया हुआ है बी जब 9 होता है तो सी 6 होता है और ए जो है तब 18 होता है। तो ए 18 है कब, जब बी 9 है और सी 6 है। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो है के का वैल्यू आ जाएगा, 9 से काटोगे इसको दो बार तो k का वैल्यू जो है वो आ रहा है 12। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम ऐसा भी लिख सकते थे कि a बराबर जो है वो 12 b by c है, तो हमारा k का वैल्यू आ गया। अब सवाल हमसे पूछ रहा है a का मान तब निकालिए जब b 7 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज 7 एंड c इज 4। तो सवाल हमें ये पूछ रहा था कि अब बताइए a का मान क्या होगा जब ये 12 है और b जो है वो कितना है 7 है और सी जो है वो कितना है 4 है। तो 4 से अगर इसको काट लिया जाए तो ये 3 आएगा, 3 इंटू 7 21 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि 21, ठीक। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा कि ए जो है सवाल का सही उत्तर है। तो अब हम इस वीडियो को यहां पर रोकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का एक और पार्ट आना है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट अगर आप चाहते हैं जो कि आपको वीकेंड्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है। इस हफ्ते का जितने भी हमने टॉपिक कराया उसके सारे प्रैक्टिस शीट आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्लियर। तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, उसका आंसर शीट जो है वो हम अगले हफ्ते वेडनेसडे तक आपको प्रोवाइड करते हैं, तो 2-3 दिन आपको टाइम भी मिलता है उसको सॉल्व करने का और समझ भी आता है आपको कि हमने जो चीज़ें पढ़ाई है क्या उसका सही प्रैक्टिस हुआ है, क्या उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कुछ अलग सवाल वहाँ पे हम आपको करवाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है तो उसका फायदा उठाएं और उन जरूरतमंदों तक भी पहुंचाएं इस बातों को जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदारों में जो लोग हैं, उन वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी आप इस बातों को पहुंचाएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां क्वालिटी प्रिपरेशन चल रहा है। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहां पर रोकता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।